हाय गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनएचएम महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2022 की। तो यहाँ पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। 12th पास कैंडिडेट्स की भी वैकेंसी है, तो यहाँ पर सारी जानकारी देखने वाले विद सैलरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और अप्लीकेशन प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बढ़ते नोटिफिकेशन की तरफ, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट पोस्ट। तो फर्स्ट पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर एम्स नागपुर, ठाणे, पुणे और बीड, यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। इसके लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जिनका भी पोस्ट ग्रेजुएट साइकेट्री में कम्प्लीट हुआ है, यानी कि आपका MD रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू साइकेट्री, तो इससे इक्विवेलेंट यदि आपका साइकेट्रिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर उसी के बाद में आप सैलरी देख सकते हो, तो 150,000 रुपये सैलरी आपको दी जाने वाली है। 61 ईयर्स तक कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लीकेशन कर सकते हैं, एज लिमिट है यहाँ पे। देन यहाँ पर नीचे आएंगे सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सीनियर रेसिडेंट और कंसल्टेंट की पोस्ट है, जो कि आप देख सकते हो नागपुर, ठाणे, पुणे और बीड, यहाँ के लिए निकाली गई है। इस पोस्ट में एक बढ़िया बात है कि सेम क्वालिफिकेशन चाहिए लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। यदि एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। उस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया था, यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट साइकेट्री में से कम्प्लीट रहना चाहिए, एग्जाम्पल MD या फिर साइकेट्री में आपका कोई रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन कम्प्लीट रहना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देख सकते हो 1,00,000 रुपये आपको सैलरी दी जाने वाली है पर मंथ, और यहाँ पर 61 ईयर्स तक का एज लिमिट है। देन जो थर्ड पोस्ट है वह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और PSW और साइकेट्रिक नर्स की। इस पोस्ट के लिए जिनका भी फर्स्ट या फिर सेकेंड क्लास MA या फिर MSc डिग्री इन साइकोलॉजी कंप्लीट है तो अप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट या फिर सेकेंड क्लास MA और MSW डिग्री कंप्लीट है मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्क में, या फिर आपका MSc इन साइकेट्रिक कंप्लीट है तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग में फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये क्वालिफिकेशन आपको मिलता हुआ दिख रहा होगा आपके क्वालिफिकेशन से, तो आप भी अप्लीकेशन कर सकते हो। 50,000 रुपये सैलरी आपको दी जाने वाली, 59 ईयर्स तक का एज लिमिट है। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया गया लेकिन वो नहीं रहता तो भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए फोर्थ पोस्ट है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। इसके लिए जिनका भी BE इंजीनियरिंग हुआ है या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आपका MCU है तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। यानी कि 3 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है। यदि आपका BE हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यदि आपका डिप्लोमा हुआ इंजीनियरिंग में से तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में, या फिर आपका MCU रहता है तो भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर 18 to 30 ईयर्स का एज लिमिट है, 40,000 रुपये पे स्केल आपको दिया जाने वाला है। यानी कि यदि मेरी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट है तो भी मैं यहाँ पर अप्लीकेशन कर सकते हो। देन यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसके लिए डिप्लोमा यदि कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्लीट आपका तो अप्लीकेशन कर सकते हो, 25,000 रुपये इसके लिए आपका भी दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे काउंसलर की पोस्ट है, जिसके लिए मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन सच एस MA सोशोलॉजी या फिर साइकोलॉजी, इसमें से भी आपका MA कंप्लीट है सोशोलॉजी या फिर साइकोलॉजी में से, या फिर आपका मास्टर्स कंप्लीट है क्लिनिकल साइकोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में या फिर इससे रिलेटेड चीज़ों में तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका यदि बैचलर साइकोलॉजी में या फिर सोशल वर्क और नर्सिंग कंप्लीट आपका 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में इन मेंटल हेल्थ वर्क में तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। तो आपका बैचलर साइकोलॉजी में कंप्लीट है या फिर सोशल वर्क या फिर नर्सिंग आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ वर्क में तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। काउंसलर पोस्ट के लिए 35,000 रुपये इसके लिए आपको दिया जाएगा, 35,000। देन जो यहाँ पर लास्ट पोस्ट है वो अटेंडेंस की, इसके लिए 12th पास अप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पे 20,000 रुपये पे स्केल दिया जाने वाला है। यहाँ पर इन तीनों रीजन के लिए वैकेंसीज आप देख सकते हो, 18 to 30 ईयर्स का एज लिमिट है। देन अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ ये जो वैकेंसी है ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाली गई है, ये स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलर पोस्ट नहीं है, ये SHS की तरफ से निकाली गई थी यहाँ पर। उसके बाद में देखिए और यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट देख सकते हो, जिनको भी एक्सपीरियंस है NHM का ऑलरेडी उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है ये 11 मंथ्स के लिए रहेगा, यहाँ पे इसे आगे भी एक्सटेंड किया जाता है जैसे उनको नीड लगती है उसको देखते हुए। देन आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की।
यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर रहे हैं, आपको स्मॉल फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है इंटरव्यू के वक्त या फिर अपॉइंटमेंट के वक्त में, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और जितने भी कैंडिडेट्स अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मैं फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा, उनको ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जैसे कि आपके आपको ये डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, इनकी जीरोस कॉपी आपको आपके अप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली फिलअप करना है, मैंडेटरी है सब। यहाँ पर भी हम अप्लीकेशन फॉर्म में दिखा देता हूँ आपको, तो ये देखिए अप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो, यहाँ पर फोटो लगा लेना है, अप्लीकेशन फॉर्म आप देख पा रहे हो, सारी फील्ड्स इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको यहाँ पे आपके पोस्ट का नाम लिख देना है, आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखना है, फिर हस्बैंड का नाम लिख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आपको, ब्लड ग्रुप, जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, कैटेगरी, देन यहाँ पे आप आपका प्रेजेंट एड्रेस लिख सकते हो या फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे सकते हो, देन उसी के बाद ईमेल आईडी आपको दे देना है, मोबाइल नंबर देना है, लैंग्वेज जो आपको पता है वो आपको बतानी है, एस नो वहाँ पे लिखना है आपको, और अगर कोई लैंग्वेज आती है तो वो भी आपको स्पेसिफाई करना है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देन क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देना है आपकी, स्टार्टिंग टू एंड, क्या किया है, डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, कहाँ से किया है, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे डालने हैं, आपके टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन के और आपको जो मिले वो मार्क्स आपको यहाँ पे डाल देना है इस कॉलम के अंदर, और आपके फाइनल ईयर परसेंटेज आपको यहाँ पे डालने हैं इस कॉलम में। देन यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज आपको रहता है क्या वो बताना है, MScIT का सर्टिफिकेट है क्या, देन यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रहता है वर्क एक्सपीरियंस, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, बहुत जरूरी है, उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी है, टोटल एक्सपीरियंस आप ईयर्स और मंथ्स में आप बता सकते हो, डिक्लेरेशन है पढ़ लीजिएगा इसे, और उसके बाद आपका नेम, प्लेस और सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है, और आपका अप्लीकेशन फिलअप हो जाएगा। तो ये अप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर सबमिट करना है और कब तक सबमिट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज कोई वैकेंसी है जो कि एम्स नागपुर के लिए निकाली गई है और आपको वहीं के लिए अप्लीकेशन करना है, तो आपको देखिए दिए गए इस एड्रेस पे ये आपका फॉर्म और वो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो ले जाके देने पड़ेंगे। यहाँ पे पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना है वो बोला नहीं गया है, तो आप खुद जाके दे जाके दीजिएगा इस एड्रेस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको नीचे एड्रेस दिया गया है, कॉम्प्लीट एड्रेस देख सकते हो यहाँ पे, एम्स नागपुर के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे जाना है, जो पुणे के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल रीजनल, और जो पुणे के लिए अप्लाई कर रहे हैं रीजनल मेंटल हॉस्पिटल के लिए उनको यहाँ पर जाना है इस एड्रेस पे आपको दिखाई दे रहा हूँ, जो थाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर जाना है, बीडी के लिए ये एड्रेस दिए गए। और आपको यदि कोई अपडेट्स चाहिए तो अपडेट्स के लिए आप इस वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट कर सकते हो, और आपका जो ईमेल है उसको भी आपको चेक करते रहना है, उस पर मेल आ सकता है, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको एक्टिव रखना है। लास्ट डेट है 20th September 2022, तो 20th September के पहले आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है विद डॉक्यूमेंट्स, तो आप इसके पहले सबमिट करिएगा अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव रहूँगा, तो यदि वीडियो अच्छा लगता है वीडियो से लाइक करिएगा, आपके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।